तो जो हमारे सुमित हैं, उन्होंने फिर से आज एक लेटेस्ट वीडियो डाली है और उसमें उन्होंने फिर से खुद ही खुद को एक्सपोज कर लिया है। कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगी। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, फेवरेट ब्लॉगर्स के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। ये चैनल आपको ऐसा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। उफ, आजकल मच्छर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। ऐसे मच्छरों को मार मार के ना मार देना चाहिए, वरना लाइफ में आके ये बड़े काटते हैं, काटते हैं तो बड़ी चुभते हैं और फिर मलेरिया करके चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रखा है फिलहाल जो सिंह फैमिली है उनके साथ, है ना। वही चीज कामिनी ने किया, उनको बार बार डंक मारा गया, बार बार बोला गया, टॉर्चर किया गया। फाइनली एक दिन कामिनी आके यूट्यूब पे बोल ही देती है। तो शायद इस मलेरिया का इलाज कामिनी ने अपनी तरफ से कर दिया है ना। लेकिन 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 जो कुछ लोग कामिनी की बातों को गलत प्रूफ करने पे लगे हैं, उनका क्या? जो हमारे जो कॉल्ड सुमित हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं अपने वर्ड्स को रिजर्व रखता हूं। हमारी जो सुंदरता की देवी है, उन्होंने बोला कि अब से मैं नहीं लाऊंगी इस तरह की वीडियो, क्योंकि उन्होंने कामिनी की वीडियो देख ली थी, है ना। लेकिन जो हमारे सुमित हैं, उन्होंने बोला कि मैं इस वर्ड्स को रिजर्व रखता हूं। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो इंसान कहता है मैं गलत को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो इसमें गलत क्या है? जैसे आप हैं, जैसी बातें आपने YouTube पे करी, उस तरह के रिएक्शन आपको वीडियोस में मिल रहे हैं, उस तरह के हेट कमेंट्स आपको वीडियोस में मिल रहे हैं, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? इससे साफ पता चलता है कि जब ये इंसान अपने वर्ड्स को रिजर्व रख सकता है, जब ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, तो इन्होंने गुस्से में क्या अपनी भाभी को मारा पीटा नहीं होगा? बिल्कुल मारा पीटा होगा। इस बात से वो कैसे डिनाई कर रहे हैं? ये अपने ही एक्सपोज होने का सबूत साफ साफ अपने ही वीडियोज में देते आए हैं। बार बार ये एक चीज क्या कहते हैं कि मेरे भाई ने ही मेरी भाभी को अपने रूम से निकाल दिया था। अब क्या पता आपने ही आग लगाया हो अपने भाई में, अपनी भाभी के साथ ऐसा ट्रीट करने के लिए, है ना। क्योंकि आपकी शादी तो हुई नहीं थी, घर के खर्चे आप चला रहे थे। जिस तरह की डोमिनेशन आप यूट्यूब पे आके दिखाते हैं, अपने घर में आप कितना ज्यादा डोमिनेशन करते होंगे। क्या पता आप ही अपने भाई को भड़का के रखते थे, भाई आपसे सहम के रहता था क्योंकि कम कमाता था ना बेचारा, इसीलिए बीवी को बुरा बना के रखता था। आज वो भाई क्यों नहीं अपनी बीवी को बुरा बना के रख रहा है? आज वो भाई अपनी बीवी के लिए अच्छा हो गया? आज वो भाई अपनी बीवी का साथ देने लगा? इसे साफ पता चलता है कि आप घर में कितना ज्यादा डोमिनेशन करते थे, कितना ज्यादा आग लगाते थे, है ना। कहते हैं ना, जो पावरफुल होता है ना, उसी के सत्ते में सारी चीजें चली जाती है। कुछ ऐसा ही इस फैमिली के साथ है। अच्छा, एक और झूठ पकड़ी गई हमारे सो कॉल्ड सुमित की। क्या इन्होंने कहा कि फ्लोर हमने बांटा, फ्लोर आपने बांटा, आप गए क्योंकि आप अपने हाथ से, जो नीचे रहती थी तो अपने हाथ से उठा के ग्लास पानी भी नहीं रखती थी किचन में, तो जब फ्लोर बांटा तो किचन नीचे क्यों रखा? जब वो इंसान पानी भी नहीं रख रहा था, आपने ऊपर भेज दिया। ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पे छुपा है उनके झूठ बोलने का सबूत, है ना। उन्होंने बोला कि ऊपर हमने आपको इसीलिए भेज दिया क्योंकि आप पानी भी ग्लास उठा के किचन में नहीं रखती थी। तो क्या वो औरत अब ऊपर से आके किचन में ग्लास रखने आ जाएगी? है मतलब हद होती है झूठ बोलने की। इस तरीके के झूठ बोलोगे तो आप किचन क्यों नहीं बांट रहे हैं? अगर वो औरत काम नहीं करती है तो आपकी हर बातों की झूठाई आपके ही बातों में छुपी है और आपने अपने हर बात का जवाब इसी में दे दिया है ना। तो सच्चाई सुनिए कि किचन इसलिए नहीं बांटा जा रहा है क्योंकि काम एक ही इंसान पे ज्यादा पड़ जाएगा। जो सुंदरता की देवी है उनकी सुंदरता चली गई, तो इसीलिए किचन को नहीं बांटा जा रहा है। घर का नौकर है, नौकरानी लगा के काम करवाना है ना। नौकर तो फ्री में मिला हुआ है, कम दहेज लेके आया है, गरीब घर से आया है, तो वो नौकर है। जो सुंदरता की देवी है उनकी सुंदरता खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इतना सारा प्रेशर पड़ जाएगा एक ही किचन में। माँ बाप को भी बनाना है, पति को भी बनाना है, अपने लिए भी बनाना है, इसीलिए किचन को बिल्कुल नहीं बांटा जाएगा। मतलब व्हाट एन आयरनी कि वो ग्लास का पानी उठा के किचन में नहीं रखती थी, इसीलिए उसको ऊपर भेज दिया। लेकिन अब किचन नहीं बटेगा क्योंकि वो ऊपर से आ जाएगी ग्लास का पानी नीचे रखने, क्या अब उसको आलस नहीं आएगा? अरे क्यों इतना झूठ बोलता है?
चीजों को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद जनता आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स भी करती, लेकिन आपने झूठ पे झूठ बोला। इस तरीके के झूठ, सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला गया है कि कमेंट सेक्शन कुछ सेकंड्स के लिए ऑन था, जबकि वो कमेंट सेक्शन पूरे आधे घंटे तक ऑन रहा। मैंने भी देखा है और जितने ऑडियंस ने कमेंट किया है उन लोगों ने भी देखा है कि ये कमेंट सेक्शन आधे घंटे तक ऑन था। जब इन्होंने देखा कि कोई पॉजिटिव कमेंट्स आ ही नहीं रहा तो इन्होंने कमेंट सेक्शंस को ऑफ कर दिया। बात में सच्चाई, अगर बहुत सारी जनता जो देखी होगी आधे घंटे ऑन, वो आके मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करेगी, है ना। सुंदरता की देवी अगर ऑडियंस से झूठ बोल सकती हैं तो वो अपने घर का कितना कितना झूठ बोली होंगी, है ना। सुंदरता की देवी कहती है कि 2 महीने में कहां मायके में थी, लेकिन वीडियोस तो मैडम आपकी कुछ और ही बता रही है कि आप मायके में थी। बार बार कामिनी प्रेशर इसी चीज पे हाईलाइट कर रही है कि आप 2 महीने मायके में क्यों थी, आप क्यों नहीं बताएं। मतलब झूठ बोलने की हद होती है, सुंदरता की देवी में झूठ बोलने का टैलेंट ना कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, कामिनी की एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। कामिनी ने बोला था मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ, है ना। तो देखो, उनके हस्बैंड भी जो है वो कुछ खास चालाक से दिखते नहीं है मेरे को, क्योंकि जो सो कॉल्ड छोटा भाई है बहुत ज्यादा चालाक है, वो तो अपनी बीवी से भी ज्यादा चालाक दिख रहे थे, मैच्योर दिख रहे थे, बातें कैसे की जाती है। और जो कामिनी के हस्बैंड ने उनको कुछ खासा बातचीत करने आता नहीं है ना, तो वो एक इनोसेंट कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, और कामिनी सीधी सीधी बात करने वाली। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ सीधे हो गए, दोनों ही कपल सीधा है ना, इनोसेंट। तो अब जो ज्यादा मैच्योर है सो कॉल्ड, डोमिनेट करके रख पा रहे अपना दिमाग लगा के, ऊपर से सुंदरता की देवी भी वैसी ही मिल गई एकदम उनके लेवल की, अपने हस्बैंड की, तो मिलकर भैया डोमिनेशन तो होना ही है इनोसेंट्स पे। तो आप ये सारी बातें क्यों नहीं जनता के सामने बता पा रहे हैं अपने असली चेहरों को, जो कि आप नहीं बता रहे तब भी जनता समझ गई। जब रिएक्शन वाले इस तरह के रिएक्शंस दे सकते हैं तो ऑडियंस हमसे भी ज्यादा तेज तरार है। क्यों आपने कमेंट सेक्शन ऑफ किया, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए। क्यों सुंदरता की देवी ने एट द एंड में कुछ नहीं मिला तो धमकी दे दी लीगल जाने की, है क्यों? क्यों कामिनी ने नहीं लीगल दिया? कामिनी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं लीगल जाऊंगी या कुछ भी करूंगी। सुंदरता की देवी को इतनी टेंशन क्यों हो गई? क्योंकि सुंदरता की देवी को पता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ये करने के अलावा। लेकिन आप ये करके भी देख लीजिए, आप लीगल जाके भी देख लीजिए, आपको पता है आपके लिए कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव वीडियो नहीं बना रहा, इसीलिए आप लीगल जाने की धमकी दे रही हैं, क्योंकि आप परेशान हो चुकी हैं। एक तो आप सोशल मीडिया पे आके सारा चीज गाती हैं, उसके बाद जब आपके लिए नेगेटिव रिएक्शन वीडियोस बनते हैं तो आप लीगल जाने की धमकी देती हैं, व्हाई? तो ये है कुछ कहानियां जो बातों में ही अपनी सच्चाइयां बयां करती है गाइस। सो कांट हेल्प, मतलब ऐसे लोग कहां से आते हैं कि जो अपनी ही बातें बोल जाते हैं और उसके बाद झूठ भी पकड़े जाते हैं और फिर उसको आगे मैनिपुलेट करते हैं, जब वो भी नहीं होता है, नेगेटिव लोग बोलते रहते हैं तो लीगल जाने की धमकी देते हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब कहां से आते हैं इस तरह के लोग। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।